दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ही प्रत्यक्ष देवता है। थोड़ी सी पूजा अर्चना में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी निरंतर आराधना के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अवश्य ही आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं मिलता कुछ लोगों को हनुमान चालीसा का लाभ। हम आपको बता रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार करें और क्या उपाय अपनाएं जिससे भगवान खुश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए जानते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत आप मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं। आप 40 दिनों का अनुसरण कीजिए। उसके बाद अगले 11 शनिवार व मंगलवार आपको एक ही दिन के अंदर 21 पाठ करने होंगे। याद रहे कि पाठ केवल सुबह 4 बजे शुरू करना होगा। जो तरीका आपको बताया गया है, अगर इसी प्रकार से आप नियमानुसार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इच्छा अनुसार फल आपको प्राप्त होगा। इस विधि के द्वारा पाठ करके प्रसाद को गाय और बंदर को देना होगा। उसके बाद बांट दीजिए। जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो हवन भी करवाएं। हर चौपाई के बाद एक आहुति दीजिए। जब हवन हो जाए तो गरीबों में बूंदी चूरमा बांट दीजिए। इस प्रकार आपने जो अनुष्ठान किया है वो पूरा हो जाएगा। अब हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया है। जब भी कभी आप संकट में घिरे हो तो इसे पढ़े, यह तुरंत चमत्कारी असर दिखाएगा।